सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से मैं एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आया हूं एक वीडियो जो है अहुजा के टॉप के ऊपर, जिसका मॉडल है SPX 1210। और दोस्तों, इसमें कुछ कुछ परेशानियां हुई हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, या इसमें क्या क्या परेशानी होती है ऐसी, एवं इसमें स्पीकर को न उड़ने के लिए कंपनी क्या क्या दिए रहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये टॉप ऐसे बहुत पावरफुल रहता है और प्राइस के मामले में भी एकदम तगड़ा ही है। जैसे कि देख सकते हैं इसका मॉडल, आप 5500 वाट के दो इसमें स्पीकर लगे होते हैं। और वैसे इसके उड़ने का तो चांस वैसे बहुत ही कम है, लेकिन वो आपके चलाने ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, आज उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सेटअप है बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही तगड़ा है बोला जाए। अगर इसको चलाया जाए तो मान के चलो बेस का ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा वाला टॉप है जैसे नॉर्मली बुकिंग है तो आपका। तो दोस्तों, आज इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना स्पीकर वाला, वो इसमें का उड़ गया है, जिससे उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। जैसे बोला जाए तो इसका आवाज़ क्लियर नहीं आता है, हाफ वोल्ट मिलने के कारण फ्रेश नहीं आता है, या कटा कटा आता है, या स्पीकर अच्छे से फ्रेश साउंड नहीं देता। जैसे कि इसमें का देख सकते हैं, इसमें का जो रेजिस्टेंस लगा था वो फट फट गया था पूरा। लेकिन कंपनी ये चीज़ इसमें बढ़िया करती है कि रेजिस्टेंस लगा दिए रहते हैं, क्योंकि इससे स्पीकर डैमेज होने का चांसेस बहुत कम है। ये चीज़ मुझे अहुजा में देखने को मिला और जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जो कि डीजे प्लस या और दूसरे कंपनी में ऐसे अभी तक मैं देखा तो नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन डीजे प्लस में नहीं दिया रहता है। और इसमें क्या किया रहता है, सीधा डायरेक्ट जो इनपुट केबल रहता है इसका, उससे स्पीकर में नहीं दिया रहता है, इसको पूरा रेजिस्टेंस के थ्रू दिया है। क्योंकि अहुजा उतना बड़ा कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसे भी लगते हैं, क्योंकि टॉप खरीदने में आपको पता ही है, तो दोस्तों उसको सेफ्टी के लिए दिया रहता है। और इसमें रेजिस्टेंस ख़राब था, और भी कुछ कुछ समस्याएँ हैं जिसको आगे मैं आपको बताऊँगा। और देख सकते हैं इसमें इस प्रकार का सॉकेट लगा रहता है, और इसमें एक ही टॉप बॉक्स का ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि दो का हुआ था और एक में का तो पूरा मैग्नेट भी खिसक गया था दोस्तों। और मैग्नेट खिसकने से चलता ज़रूर है, लेकिन क्या है, मैग्नेट खिसक जा रहा था तो कॉइल को जाम करके रखा रहता है, तो उसको अच्छे से फ्री स्पेस नहीं मिलता है अप डाउन करने के लिए। तो उससे भी हम लोग को लगता है कि स्पीकर तो चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली, तो स्पीकर का भी आपका खिसकने का चांसेस इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि आप देख सकते हैं इतना सिक्योरिटी के बाद भी स्पीकर में कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन ये उसके देखभाल के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या है, इसको लोड करते समय बहुत ही सावधानी से हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर एकदम रहते हैं पावरफुल, लेकिन थोड़ा इधर उधर ना हो इसके लिए हमें सावधानी बहुत ही लगता है। और इसका देख सकते हैं अहुजा प्रोफेशनल करके स्टिकर भी चटका है, और इसका मॉडल आप लोग को तो पता ही होगा, SP15 करके रहता है, जो एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर है भाई, इतना बेस जनरेट करता है ना, मज़ा आ जाता है एकदम चलाने में। लेकिन इसका प्राइस भी वैसी आसमान को छूता रहता है, आपको पता ही है, 75,000-76,000 इसका पेयर अभी है शायद तक, दो पीस का ही। और दोस्तों, इसको भी जो दूसरा वाला टॉप है इसको भी खोल के हम लोग चेक किए थे, इसका भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था, ये जाम हो गया था एक स्पीकर, और एक स्पीकर कटा टाइप का आ रहा है, जो कि एकदम दूसरे ही टाइप का आवाज़ जनरेट करता रहता है, जैसे कि बोला जाए तो फ्रेश नहीं देता है, फर फर ऐसे करता रहता है। क्योंकि हो सके रेजिस्टेंस का भी हो सकता है, या किस चीज़ का है उसको चेक करने पर ही पता चलेगा फिलहाल। पर देख सकते हैं ये दोनों जो टॉप बॉक्स हैं, दोनों ही लगभग इसमें का डैमेज हो चुका था, और इसको इसीलिए हम लोग खोल के चेक कर रहे थे। जो पीला वाला रेजिस्टेंस लगा रहता है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें और भी दिए रहता है 25 वोल्ट के, जो हरे वाले या ग्रे कलर के रहते हैं, जो आपके मार्केट साइड बिल्कुल आपको मिल जाएंगे एकदम कम प्राइस में, जिससे आप आसानी से उसको रिपेयरिंग करवा सकते हैं। रेजिस्टेंस उतने महंगे तो आते नहीं हैं, तो ये फ़ायदा है कि अहुजा टॉप में आपका अहुजा का स्पीकर सीधा डैमेज नहीं होगा, रेजिस्टेंस में ही 100-200-500 तक आपका रिपेयरिंग हो जाएगा, जो आपका इसका बोर्ड रहता है वो। और वैसे डीजे के लिए इतना हैवी टॉप तो मेरे को उतना बेटर नहीं लगता, इससे अच्छा आप 350 वाट के कोई दूसरे कंपनी का टॉप ले सकते हैं, या फिर लाइनर ही यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि वो वेट में भी कम रहता है, साउंड क्वालिटी में भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर क्रॉस वायर आप यूज करते हो तो एकदम छन के निकलता है, तो ऐसे उसमें दिक्कत नहीं रहता है। और इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, पूरा इसका भी रजिस्टेंस जल चुका है, तो सेम सेम प्रॉब्लम है लगभग। लेकिन और कुछ कुछ है जो कि समझ नहीं आता वक्त में, ये सब अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के इसमें प्रॉब्लम आते रहते हैं रजिस्टेंस के जलने के बाद, फिर भी कुछ कुछ इधर उधर और इसमें प्रॉब्लम आ ही जाता है। और दोस्तों मेरे को लगता है मिस अंडरस्टैंडिंग से मैं SP 1500 इसको बोला हूँगा, इसका मॉडल SP 1500 नहीं रहता है, SP 500 करके रहता है इसका, तो उसके लिए बिल्कुल सॉरी भाई। और ये देख सकते हैं इसको, ऐसे इसका बॉडी भी आप लोग देख सकते हैं, अंदर से अच्छे प्रोडक्ट एवं मटेरियल का ही बना रहता है, इसका देखभाल रख रखाव के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इसका भी अंदर में भी लगा ही हुआ है रेजिस्टेंस वाला जो बोर्ड है, जो कि देख सकते हैं जल गया है ये भी, और एक तो देखिए टूट के भी निकल चुका है रेजिस्टेंस, इसमें लगा रहता है वो वाला 25 वाट का ही लगा रहता है, इसमें रेजिस्टेंस 4 इसका निकल गया है। आप इसे रिपेयरिंग भी करा सकते हैं, या नया बोर्ड भी आपको मिल जाएगा, वैसे अलग अलग ये सब पार्ट्स मिल जाते हैं आहूजा डीलर के पास। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और मैं इसका जो और स्पीकर कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। मेरे को तो लगता है कि थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोग के लिए ठीक रहता होगा वैसे जो मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा रहता है, क्योंकि वीडियो के तौर पे ही मैं नहीं बनाता कि हाँ नॉलेजली, जो नॉर्मली भी प्रॉब्लम हम लोग के साथ होता है उसको आप लोग के लिए शेयर करता हूँ। थैंक्स दोस्तों।